कैल बनी एक अगली बिल्कुल कमजोर बेकार एक लूजर बंदा होता है जिसको गॉड थोड़ी दया आती है कि हाँ उसने ऐसी लाइफ थी, इसलिए को चांस देते हैं और उसको रीइनकार्नेटेड कर देते हैं एक दूसरे वर्ल्ड में बिकॉज वो उसे एक मौका देना चाहते हैं एक सिस्टम के साथ में, जिसके बाद उसे बना देते हैं एक ब्लैक समनर जो कि छोटे से लेवल बन के मतलब सिलेम को भी एक डीमन लॉर्ड बना सकता है, ऐसी उसकी स्किल्स होती हैं। और तभी दिखाया जाता है प्रेजेंट में एक बीम ऊपर से आती है, बालों को फाड़ती है और जंगल में गिरती है। सारे जंगल में जो भी जानवर होते हैं स्लैम सब लोग अगर देखते हैं आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। कैल्विन वहाँ पर लेटा होता है और जो कि आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी जागता और कहता आखिर भाई यहाँ पर कहाँ पर है, वह अपने आप के आसपास की जगह को नहीं पहचान पा रहा होता है। उसके सामने एक स्क्रीन आती है, इसमें लिखा होता है स्टार्ट करने के लिए। वह देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है बिकॉज वो एक सिस्टम होता है जो उसे स्टार्ट करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वह सोचता है या आखिर क्या वह यहाँ पर कैसे आ गया। तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर रीइनकार्नेटेड हुआ है। तब जैसे स्टार्ट करता है वह सिस्टम उसके चारों तरफ घूमने लगता है और बताने लगता है कि उसको दोबारा एक लाइफ दी गई है जिससे कि वे इस वर्ल्ड में आ गया है। इस वर्ल्ड में मैजिक स्वार्ड्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन चिंता करने की उसे बात नहीं है बिकॉज उसको पहले से कुछ स्किल्स दे दी गई हैं जिसको पहले से सीख चुका है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है कि आखिर वह ऐसे कैसे दूसरे वर्ल्ड में आ गया। उसे काफ़ी ज़्यादा ही अजीब भी लग रहा होता है कि इस तरह से उसको दोबारा से रीइनकार्नेट कर दिया गया दूसरे वर्ल्ड में। इस बार पर मतलब ये खुश नहीं बल्कि थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन जब सिस्टम उसे स्किल्स के बारे में बताता है कि वह अपनी स्किल्स वगैरह उसको कुछ दे दी गई हैं जब से उसको इसे यहाँ पर रीइनकार्नेट किया गया है, तो स्क्रीन को चेक करता है कि हाँ शायद उसकी स्किल्स हैं वो तो काफ़ी अच्छी हैं। ये काफ़ी अच्छा रहेगा इस वर्ल्ड में कि उसके पास में पहले से ही कुछ स्किल्स सीखी हुई है, जिसमें कि उसकी कुछ स्किल्स होती हैं जो कि समनर के तौर पर होती हैं और उसकी लेवल बन के अब स्किल्स होती हैं। लेकिन वह जैसे जैसे अपग्रेड करता जाएगा अपने सिस्टम यानी कहें तो अपने आप को लेवल अप करेगा, वैसे वैसे उसे अच्छे रिवार्ड्स मिलते जाएंगे। और वह देखता है तो उसकी जो स्किल होती है वह एक समनर के तौर पर होती है। मैं कहता कि काफ़ी अच्छा एक गेम की तरह इस लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाएगा जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला होता है। मैं कहता ठीक है, तो सिस्टम होता है उसे कहता है कि उसे पहले पास के किसी विलेज में जाना चाहिए जिसके बाद उसके वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए। जो स्क्रीन होती है उसके साथ में जा रही होती है, पूछता है कि अब उसके साथ में रहने वाली है, तो वह कहती है हाँ वह उसके साथ ही रहने वाली बिकॉज भी एक लौता समनर है जो मतलब फॉलोअर है जिसने कि उसको कहा था मतलब रिक्वेस्ट की थी, इसलिए उसने यहाँ पर समन किया है और अभी उनके बीच में अच्छा बॉन्ड है बिकॉज समनर और फॉलोअर के तौर पर, इसीलिए इस तरह से हम आपस में टेलीपैथी द्वारा बात भी कर सकते हैं। उसकी स्टेट्स दिखाती है जो कि करीब 1000 साल पुरानी होती है। इधर बिल्कुल पहुंच जाती है न्यू विलेज में और वह काफ़ी गुस्से में आ रहा होता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो गोडेस होती है या फिर सिस्टम की कह सकती है, बताती है उसको कि वह उसे पसंद करता था, लेकिन वह कहता उसके पास में उसकी कोई भी पुरानी मेमोरीज नहीं है, तो आखिर वह इसे कैसे मान सकता है कि आखिर ये सब है और यहाँ पर है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वह नहीं जानता। इसके से मार्केट में बैठ जाते हैं एक जगह पर जो कि काफ़ी ऑकवर्ड होता है। उस तरह के ऐसे बिहेवियर को सभी लोग ही नोटिस कर रहे होते हैं कि आखिर वह अकेला बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके लिए काफ़ी ओकट लगता है और वहाँ से भाग जाता है एक अकेली जगह में जहाँ पर कि वह उस गोडेस से बात कर सके। यहाँ पर उस गोडेस से कहता है कि क्या वह उसको यहाँ पर समन कर सकता है, तो लेकिन नहीं वह अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। फिर कहे तो सीधा उसने अभी उससे उसे कन्फेशन एंड कन्फेस कर दिया होता है, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वहाँ से निकल जाता है और बताया तो उसे एडवेंचर गोल्ड में जाना चाहिए। एडवेंचर गोल्ड में पहुँच जाता है जैसे कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सके, जहाँ पर रिसेप्शन पर एक गर्ल होती है और वह उससे पूछती है इसे क्या चाहिए, तो बताता है उसे रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन जब लिखने को होता है तो गोडेस मेलफाइन उसे रुकने के लिए कहती है। मैं कहती हूँ समरा ना लिखने के लिए, वह बताती है यहाँ पर बहुत सारे मतलब एडवेंचर्स हैं, तो वह कहता है हाँ इसमें दिक्कत क्या है, तो बताती है यहाँ पर जो समनर्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं, यानी कहें तो पूरी पूरी कंट्री में भी एक समनर होना काफ़ी ज़्यादा रेयर बात होती है। यदि तुम ऐसा कुछ लिखती हो तो तुम पूरी तरह से पॉलिटिक्स में फंस जाओगे और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर तुम पर आ सकता है। पर ठीक क्या कहता है और एक ग्रीन मेज के तौर पर लिख देता है। मगर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर चली जाती है और वहाँ पर वेट कर रहा होता है। कुछ टाइम पर जब वापस आती है तो उसके पास में उसके लिए एफ रैंक एडवेंचर गोल्ड का कार्ड होता है। वो उसे बताती है अभी एफ रैंक है बिकॉज अभी बिगनर है, लेकिन इस तरह से वह आगे लेवल अप करता रहेगा और अपने एफ रैंक से भी एक रैंक ज़्यादा का भी कोई भी क्वेस्ट ले सकता है। लेकिन यदि वह किसी क्वेस्ट को फेल कर देता है तो उसको पेनल्टी उसके लिए भरनी पड़ेगी। वैसे हाँ वह डी रैंक तक भी ले सकता है लेकिन उसकी पेनल्टी ज़्यादा होने वाली है, और वैसे वह लेवल अप करता जाएगा तो आगे उससे उतनी ही ज़्यादा खतरनाक या फिर हार्ड कोस्ट भी क्वेस्ट वगैरह मिलते रहेंगे। वह कहता है ठीक है, वह समझ जाता है कि अभी हार्ड क्वेस्ट लेना बेकार है उसके लिए, बस ये पेनल्टी पड़ जाएगी। पूछता है बिगनर्स के लिए कोई क्वेस्ट है, तो उसे 3 क्वेस्ट दिखाती है जिनमें देखता है और कहता है हाँ ठीक है भाई ये लेगा, जो कि एक स्लैम हंटिंग के लिए होता है। निकल आया होता है एक विलेज से बाहर और देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे स्लैम्स होते हैं जिन्हें देखकर एकदम डर कर छुप जाता है कि उनकी अटैक से इधर ना जाए। तो मेलफोना उसे बताती है कि तुम चिंता करने की बात नहीं, अपनी आंखों को यूज करो, तुम्हारे पे स्किल है।
जिससे कि तुम उनकी सारी इन्फॉर्मेशन देख पाओगे। वह कहता हाँ ठीक है। अब एक लेवल वाल का स्लाइम होता है जिसकी HP 5 ही होती है। वह पूछता है कि आखिर उसे क्या करना है। तो वह देखता है स्लाइम की तरफ और जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद वह फैसला करता है कि वह उस पर अटैक करने वाला है, बिकॉज उसकी आंखों की स्किल होती हैं, वो उसके सारी कमजोरियां भी दिखा रही होती हैं आखिर वह कितना कमजोर है। इसलिए मौके का फायदा उठाता है और वह अटैक कर देता है एक स्लाइम के ऊपर। स्लाइम भी देख लेता है कि उसके ऊपर भी अटैक कर रहा है, उससे पहली बार उसके ऊपर अटैक कर देता है कुछ करने से पहले। उस हिट से स्लाइम जाकर दूर गिरता है बिकॉज उस अटैक की वजह से, लेकिन उसको अभी भी मतलब खत्म नहीं हुआ होता है, जिसे देखकर वह कहता है कि ये कैसे हुआ। तो फिर से स्किल यूज करके चेक करता है तो उसकी केवल 2 ही HP गिरी होती हैं। तो गॉडेस उसे यानी कहे तो मिलफोर्न ने उसे बताती है कि आखिर उसे किस तरह से सामने को हाथ करना है और बस उसको एक पेट के तौर पर एक्सेप्ट करना है। मैं कहता कि सच में इतना इजी होता है, बिकॉज छोटे छोटे पार्टिकल में बटकर उसके बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं कहता ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा इजी है किसी पेट को अपना मतलब किसी भी मॉन्स्टर को अपना पेट बनाना। वह कहता है ठीक है। तो वहाँ से निकल पड़ता है और भी हंटिंग करने के लिए। अब उसको क्वेस्ट पूरा करने की बारी आई होती है, लेकिन उससे पहले वह उस स्लाइम को भी समन कर लेता है, जो समन करने के बाद अब उसके तौर पर एक पेट के तौर पर ही होता है और अब उसे पहचान रहा होता है मास्टर के तौर पर। फिर निकल जाते हैं दूसरे स्लाइम्स को मारने के लिए और बिंड अटैक से वो दूसरे स्लाइम को मार रहे होते हैं। उधर जो दूसरा स्लाइम होता है उसका पेट बेबी एक स्लाइम को ढेर कर देता है अपनी बॉडी डैमेज से। वे कहते हैं काफ़ी ऑसम है। शाम हो जाती है और सोचता है कि आज के लिए काफ़ी इसे निकल जाना चाहिए, लेकिन उसके पेट होता है स्लाइम उसको कुछ होने लगता है। वह कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। तो अचानक सी उसकी इस तरह की बिहेवियर को देखकर जो मेलफोन है उसे बताती है वह रिवॉल्व हो रहा है, जो कि बड़े स्लाइम में रिवॉल्व हो जाता है जो कि करीब 1000 ईयर्स से भी ओल्ड का होता है। तो उसे बताती है इसकी जो पावर है वह बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है, एक डिमोन लॉर्ड की तरह तुम इसकी पावर्स को कंपेयर कर सकती हो। वह कहता ठीक है। उसे एक नाम देता है क्लाउडी। वह पहुंच जाता है एडवेंचर गोल्ड में, जहाँ पर कि वह गर्ल काफ़ी खुश होती है उसके पहले क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और वह उससे कहती है कि उसकी जो स्टिक है उसे बदल लेनी चाहिए अपने वेपन को, बिकॉज जब रजिस्ट्रेशन कराने आया था उस टाइम भी उसका सेम वेपन था और अभी भी सेम है। तो वह कहता है ठीक है, वो उसे जरूर इसे बदल लेगा। और कैलविन अब उससे एक डी रैंक मिशन मांगता है, बिकॉज अब पहले से ई रैंक पर प्रमोट हो गया होता है इसीलिए। लेकिन तभी दिखाया था वहाँ से एक बंदा आता है जो कि उसे कहता है ब्लैक स्प्रिट नाइट के बारे में, उसको मिशन ले लेना चाहिए यदि वे एक डी रैंक मिशन को ढूंढ रहा है। तो कैसा रहेगा ये, इसे देखकर तो कैलविन और हैंजी दोनों ही सॉफ्ट रह जाते हैं उसे आकर। वे एक्सेप्ट करता है, मिशन को पहुँच जाता है एक डंजन टाइप एक जगह होती है, एक मैंसन कह सकते हैं, एक किंग का मैंसन। यहाँ पर देखता है उसके सामने एक नाइट खड़ा होता है जिसकी वह इंफॉर्मेशन देखता है, जो उसके लिए काफ़ी शॉकिंग लग रही होती है बिकॉज वह कोई आम नहीं बल्कि काफ़ी पावरफुल बंदा होता है। वे कहते हैं सच में इसकी स्टेट्स देखकर ही मेरे अंदर एक डर सा बैठ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं बिकॉज वह उसे फाइट करने आया है। नाइट पूछता है कि आखिर यहाँ पर किस लिए आया है। तो वह कहता है वह बस उसके साथ में एक पैक्ट बनाने आया है, यानी कहें तो अपने साथ उसे एक साथ ही बनाने आया है। लेकिन उसकी बात सुनकर वह काफ़ी शॉक्ड हुआ होता है नाइट, बिकॉज हर कोई तो केवल उससे केवल फाइट करने के लिए आया होता है। वह पहला बंदा है जो उसे पैक्ट बनाने आया है, इसलिए लोग बात करते हैं। वह उसे बताता है कि वह अपने किंग का नाइट्स का कैप्टन था, जो कि अभी यहाँ पर वह किंग के लिए या इस किंगडम के लिए सर्व कर रहा है। हाँ बेशक वह किंगडम तबाह हो चुका है, लेकिन वह अभी भी यहाँ पर है, लेकिन वह काफ़ी चिल कर रहा होता है इस तरह से। तो केविन काफ़ी यदि शॉक्ड होता है, उसे कैंडी देता है। मैं कहता ओके ठीक है, लेकिन यदि तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर सकते हो पैक्ट के तौर पर। लेकिन वह काफ़ी झिझक रहा होता है कि अपने पुराने किंग को छोड़कर कि वह न्यू किंग को अपनाए। केविन कहता है ठीक है, तुम मेरे साथ में आकर फाइट कर सकते हो जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि हाँ मैं तुम्हारे लिए वर्दी हूँ। वह कहता है ठीक है। दोनों एक फाइट के लिए तैयार हो गई होती हैं, बिकॉज अपने आप को वह भी पूरी तरह से सिद्ध करना चाहता है। और केल्विन कहता है कि वह अपने आप को बिल्कुल होल्ड बैक ना करे। वे लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे वह अटैक करता है तभी पीछे से आकर उसका स्लैम क्लाउडी भी अटैक करता है। वह उसके अटैक को रोक लेता है और वह कहता है हाँ ठीक है काफ़ी अच्छा है। लेकिन तभी केल्विन कहता है दूसरा अटैक करते हुए जाते हुए कि सच में तुम्हारी स्किल काफ़ी अच्छी है जो कि तुमने क्लाउडी के अटैक को रोक लिया। जुआर कहता है हाँ बिल्कुल तुम्हारी स्किल भी काफ़ी अच्छी है। वह दोबारा से घूम के जाता है जिससे वह एक और अटैक कर सके और अटैक कर देता है, जिसने कि उसके एक अर्थ बैरियर पर अटैक किया था। लेकिन तभी स्लाइम पीछे अटैक करता है तो उसको ब्लॉक करता है और उसने सामने जो मतलब अर्थ बैरियर बनाया था उसको भी एक अटैक से ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर केल्विन कहता है उसकी तारीफ करते हुए कि हाँ सच में उसकी जो अटैक्स पावर है काफ़ी ज़्यादा औसम है। वह दोबारा से एक न्यू मूव तैयार करने लगता है जिससे कि वो उसके साथ में फाइट कर सके, लेकिन कोई फायदा नहीं। वह पूरी ग्राउंड को ही सेकन कर देता है, जिसकी वजह से कि जो ज्वार है एक साइड में को हल चलाए उसे एक मौका मिले। लेकिन वह उसका स्वार से अटैक करता है जिसे देखकर वह काफ़ी इंप्रेस्ड होता है। लेकिन जब पीछे से अटैक करने को होता है तो क्लाउडी उसके ऊपर अटैक करने लगता है और जिससे कि वह उसके साथ में फाइट में फंस जाता है।
केल्विन कहता है ठीक है तुम्हारी काफी अच्छी स्किल्स है, तुम क्लाउडी के साथ में फाइट कर रहे हो, उसके ऊपर अपना प्रेशर यूज करता है जो ग्रेविटी प्रेशर होता है, और उससे कहता है कि उसको भी हार मारनी नहीं चाहिए। लेकिन कोई फायदा नहीं, वो उस पूरी स्पेल को तोड़ देता है और वह अटैक करता है, लेकिन वह अपने अर्थवेरियस उस अटैक को रोक लगता है। फिर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने जाने लगता है और कहता भी तुम रुक जाना चाहिए, लेकिन फिर से वह एक ग्रेविटी यूज करता है और फिर कहता है कुलाड़ी से अटैक करने के लिए। वह अटैक करता है जिससे कि काफ़ी पावरफुल बीम जाती है और आखिरकार यहाँ पर जो नाइट होता है पूरी तरह से हार गया होता है, अपने कंपेनियन का नाम लेता है। वहाँ पर उसके एक आर्मर का एक टुकड़ा होता है जिसे वह लाकर गोली में देता है। हेनजी कहती है हाँ बिल्कुल ये उसी नाइट का ही है, और अभी उस नाइट का जो मिशन है वह भी कैबिन ने पूरा कर दिया, इसलिए बी रैंक पर प्रमोट किया जाता है। सालों से कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं मिशन को पूरा करने के लिए, वह भी थैंक्स कहता है। सारे लोग गिल्ड में केवल उसे ही ग्रीट कर रहे होते हैं कि वह पहला बंदा है जो कि इतनी जल्दी प्रमोट हो गया। बाहर जाता है तो सारे लोग उसे ही चेयरअप कर रहे होते हैं। वहीं गर्ल होती है एक शॉप में जो कि उसको हक करती है और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करती है कि उसने किसी को भी हर्ट किए बिना एक बी रैंक एडवेंचर बन गया, और वो भी इतनी ज़्यादा जल्दी, उसके लिए काफ़ी यदि हर किसी के लिए शॉकिंग होता है। जब वह जा रहा होता है रास्ते में तो देखता है कुछ गर्ल्स होती हैं जिनको एक केज में बंद किया होता है, वहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तो उसको देखकर मेलफोना उसे बताती है कि उसके गले में सिल्वर कॉलर है जिससे पता चलता है भी सिलेम्स हैं। वैसे तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा कंपनी रखना कोई बुरा नहीं है, तुम चाहो तो उसमें से एक ले सकते हो और उसे अपना कंपनी बना सकते हो जो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एक्स्ट्रा हेल्प के तौर पर। और जहाँ पर वह स्लेव ट्रेडर होता है वह बताता है ये हाफ एल्फ्स हैं। वहाँ पर वह भी पहुँच जाता है और देखता है उन सभी गर्ल्स को, और वह उनसे पूछता है कि आखिर कोई उसे खरीदना चाहता है। एक बंदा होता है उसने फैसला करता है उस येलो हेयर वाली गर्ल को खरीदने को, जैसे वह छूता है तो उसको चेहरे पर आग लग जाती है, जिससे वह कहता है नहीं भाई एक कस्ट एल्फ है, उसे वह कभी भी नहीं खरीदने वाला, उसके लिए पैसे वेस्ट जाएंगे। लेकिन कोई फायदा नहीं बिकॉज उस एल्फ को अब कोई नहीं खरीदना चाह रहा होता है। लेकिन उसकी तरफ केल्विन देखता है और पूछता है आखिर क्या चक्कर है, तो बताता है उसके ऊपर एक डीमन का श्राप है। मेलफेनिया उसे बताती है कि आखिर क्या है, उसके ऊपर एक श्राप है जिसके लिए उसे यूज करने के लिए मतलब हटाने के लिए उसे एक वाइट मैजिक की जरूरत होनी, यानी वाइट डिवाइन मैजिक की जरूरत होगी। वह कहता है ठीक है उसे क्या हटा सकता है, हाँ वह सक्सेसफुल रह सकता है। इसीलिए वह उस जो एल्फ होती है तो कोई नहीं खरीदता होता, उसे कुछ टोकन देता है मतलब कॉइन देता है और उसे खरीद लेता है और कहता कि एनफ है ना। मैं भी कहता हाँ ठीक है लेकिन तुम्हें पता ना उसमें कर्ज है। वह कहता कोई बात नहीं और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वह गर्ल उससे कहती है अपने बारे में, उसका नाम एल्फा होता है यानी एल्फेना कहते हैं। तो वह बताती है वह किसी भी काम की नहीं बिकॉज उसके ऊपर एक श्राप यानी कर्ज लगा हुआ है, वह उसकी क्या हेल्प कर पाएगी। लेकिन वह उसको टच करता है और उसके कर्ज को तोड़ देता है, और उसको टच करते हुए हाथ पकड़ते कहता है देखो अब तुम्हारे ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, अब तुम मेरे साथ में मेरी पार्टी में शामिल होने वाली हो, ठीक रहेगा ना। वह अपने घुटनों पर आ जाती है, रोने लगती है कि आखिर वो उसको कर्ज से आज़ाद हो गई है और उसको मास्टर के तौर पर मान लेती है। उसे सर को पैट करता है और कहता नहीं तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज अब बांसी वे चले जाते हैं, और उसको एक मेड की ड्रेस पहना देता है। एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर खाना खा रहे होते हैं, पर काफ़ी खुश होती है केल्विन के साथ में आने के बाद। उसी गर्ल के रेस्टोरेंट में आए होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। इधर इस तरह से अपने मिशन पूरा करते रहते हैं जिससे कि वह आप काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे लेवलअप कर रहे होते हैं। जब गिल्ड में आकर सबमिट करके अपना क्वेस्ट के इनाम लेते हैं तो बताते हैं एक क्वेस्ट और जिसके बाद में तुम आराम से लेवलअप कर पाओगे। वह कहता ठीक है। इधर तब उसके पास एक गर्ल आती है और बताती है उसे कोई मिलना चाहता है जो कि गोल्ड मास्टर होता है, जो उसे बताता है कि एक डी रैंक डंजन में एक डीमन निकला है जिसमें कि काफ़ी ख़तरनाक है, मैं उस क्वेस्ट तुम्हें देना चाहता हूँ लेकिन वह काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। मेलफेली उसे बताती है कि आखिर जो डीमंस होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रजाति माने जाते हैं जिसमें कि सबसे लो लेवल भी बी रैंक होते हैं। वह कहता है क्या डीमंस, तो वह कहता है हाँ बिल्कुल बस डीमंस है, वैसे हमने उसको समन कर दिया उसी डंजन के अंदर जिसे बाहर नहीं आ सकते, कोई खतरा तो नहीं है। वैसे वह मिशन है करीब एस रैंक भी हो सकता है, क्या सच में तुम उसको एक्सेप्ट करना चाहती हो। वह कहता हाँ बिल्कुल वह एक्सेप्ट करेगा। इसे पहुँच जाता है उसी डंजन के पास में जहाँ पर को नहीं पता चला डी रैंक डंजन। वहाँ एक बंदा आकर उसे बताता है ग्रीट करते हुए कि अभी जो डीमेंस है अंदर समन है, और वह सब अपने बारे में इंट्रक्शन देता है। तो जुआड़ होता है वह भी अपने बारे में इंट्रक्शन देता है कंपनी के तौर पर। इधर बिल्कुल अंदर पहुंच जाते हैं, इसके अंदर एक घर होता है और जहाँ पर कि एक सीक्रेट डंजन होता है। वे कहते हैं ठीक है, जुआड़ आकर डंजन खोलता है और जो एल्फा होती है वह आकर अपनी लाइट से लाइट अप कर देती है। बिल्कुल अंदर जाते हैं और हम इसको एल्फा बुलाने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छा नाम लग रहा है। इधर वहाँ से अंदर तरफ जाने लगते हैं जिनको कोई भी रास्ते में नहीं मिल रहा होता, सामने एक गेट होता है तो जुआड़ से वो पूछता है, तो जुआड़ उसे बताता है उसके अंदर दो उसे प्रेजेंस दिख रही है, काफ़ी वीक और एक काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा थ्रेट लग रहा है, नहीं डर है। वह कहता है ठीक है हम पहले पावरफुल वारी को देखेंगे और वीक वारी को हम बाद में, बिकॉज पहले फर्स्ट थ्रेट को हराना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए वे गेट को खोलता है जिसके अंदर उसे काफ़ी सारी स्केलेटन्स मिलते हैं, काफ़ी सारी हड्डियाँ पड़ी होती हैं, स्कल्स पड़ी होती हैं।
वह कहते हैं काफ़ी डरावना है, वहाँ पर एक गर्ल होती है जो कि चेन से बंधी हुई होती है, यानी सील कह सकते हैं। वहाँ एक बंदा होता है जिसका नाम विक्टर होता है, वही डीमन होता है जिसको सबसे बड़ा थ्रेट माना जाता है। वह कहता है सच में वेलकम, मैं इन ह्यूमंस का ही वेट कर रहा था, और बताता है ये डीमन लॉर्ड की ही डॉटर है। गेट को बंद कर देता और बताता है उसने डंजन को इतना ज़्यादा सरल बनाया जिससे कि ह्यूमन से वहाँ पर यहाँ पर आराम से आ जाए यहाँ तक, जिससे कि वो उनको खा सके और पावरफुल बन सके। वह कहता आखिर ये कैसे हो सकता है कि डीमन लॉर्ड की डॉटर। वह कहता हाँ बिल्कुल, बिकॉज डीमन लॉर्ड की डॉटर इसके बारे में किसी को नहीं पता है, बिकॉज वह उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था, लेकिन वह कुछ भी हो पावरफुल तो है ही वे डीमन लॉर्ड की तरह ही, इसीलिए यदि तुम उसे बचाना चाहते हो अरे कोई फायदा नहीं, बिकॉज तुम तो बस मेरे लिए जाल में फंसे हो, मैं तुम सभी को खाऊंगा और मैं तुम्हारी पावर्स को भी एब्जॉर्ब आसानी से कर लूंगा। लेकिन केल्विन कहता है ओ क्या सच में। वह कहता है ऑफकोर्स ऐसा करने वाला है, बिकॉज वह जो डीमन लॉर्ड की डॉटर है उसको भी वह खाएगा, जिसके बाद उसको अंदर भी काफ़ी सारी पावर्स आएंगी और वह एक डीमन लॉर्ड बन जाएगा, असली डीमन लॉर्ड। इसीलिए वह केल्विन के साथ में फाइटिंग के लिए तैयार होता है, यानी कहे तो उसको सीधा खाने के लिए तैयार होता है, अटैक करता है, लेकिन ज्वाल आकर उस अटैक को रोक लेता है। वह पास में जाकर उस गर्ल के खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसकी जो पावर्स हैं वह किसी भी व्यक्ति को खाकर उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने की है, लेकिन जितनी ज़्यादा करीबी होगा उतनी ज़्यादा आसानी से भी ये सब काम कर सकता है। लेकिन केल्विन कहता है कि वह उसके साथ ही फाइट के लिए काफ़ी एक्साइटेड है और इसीलिए अपनी ग्रेविटी पावर से अटैक करता है, लेकिन अटैक उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, वह नॉर्मली अभी भी वॉक कर रहा होता है इतनी ग्रेविटी प्रेशर में भी। वह कहता है ये सारी पावर्स किसी काम की नहीं है, बस मत एक ही चीज़ का वेट कर रहा है भाई जो डीमन लॉर्ड की गर्ल है उसको अपना भोजन बनाने के लिए। केल्विन स्माइल कर रहा होता है अभी भी उसके साथ फाइट करने के लिए, तो पूछता है कि आखिर वह स्माइल क्यों कर रहा है। तो केल्विन कहता है कि उसको पहला कोई ऐसा अपोनेंट मिला है जिसके साथ में वह ठीक से फाइट कर सकता है। मेलफाइना बताती है उसको जो अपोनेंट है वो सच में काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है, उसे ही पसंद है। इधर एल्फेल मतलब एफल होती है, वो उससे कहती है उसको ध्यान रखने के लिए, बिकॉज वह उसको भी पता होता है कि इतना क्रूअल है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है केल्विन उसके साथ फाइट करने के लिए और कहता है वह बिल्कुल भी पीछे ना हटे उसके साथ फाइट करने के लिए। वह कहता है ठीक है यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, और ही कहकर अपने एक अटैक तैयार करता है जिससे कि वह काफ़ी सारे वॉरियर्स को समान कर देता है। कहता है ठीक है चलो तुम पहले इनसे फाइट कर लो। उसकी जो आर्मी होती है वहाँ पर आ जाती है अटैक करने के लिए, जो कि कोई भी बी रैंक से कम नहीं होता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा लो रैंक का भी बी रैंक की डीमन होता है। उसके बाद अटैक करने के लिए वह अटैक करता है और इसे काफ़ी को ख़त्म कर देता है, लेकिन जो उन समय से जो बचे होते उनको फाइट करता ख़त्म कर देता है। लेकिन इस तरह से और आर्मी को समन करता है तो ज्वार उन पर अटैक करने जाता है और केल्विन को विक्टर के साथ में फाइट करने के लिए अकेला छोड़ देता है, जिससे कि वो फाइट कर सके आराम से। मैं कहता है यदि तुम इस तरह से ही स्माइल करते रहोगे तो फिर तो और है सच में काफ़ी है दही धांसू जाने वाले है। मैं कहता ठीक है तो फाइट के लिए तैयार होता है, बिकॉज वह भी इसी मौके का फाइट के लिए इंतजार कर रहा था। कहते चलो फाइट करते हैं। उसकी बात सुनकर विक्टर होता है अटैक करते धुंध धुंध हो जाती है। ज्वार कहता है कि वह अपनी प्रेजेंस छुपाना चाहता है, लेकिन केल्विन कहता है उसको पता है कि वह छुपकर उसके ऊपर अटैक करना चाहता है, लेकिन वो उसकी प्रेजेंस को पहले ही अपनी माइंड में ले चुका है। बिटर को पता चल जाता है कि उसकी प्रेजेंस पहले ही पता चली, वो भागना चाहता है लेकिन ज्वार उस पर अटैक करता है। वैसे एंड मतलब ब्लाइंडली वह अटैक करता रहता है, लेकिन सारे अटैक्स होते हैं बिटर के खिलाफ कुछ भी नहीं होते हैं। जब वह केल्विन को अटैक करता है तो केल्विन जंप कर देता है पहले ही, और बिक्टर के सारे अटैक खराब जा रहे होते हैं, मैजिक से अटैक करता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है बिक्टर। वह कहता सच में उसने तुम्हें काफ़ी कम आका था, काफ़ी पावरफुल है, लेकिन विक्टर के अटैक उस पर नहीं काम कर रहे थे, बिकॉज उसकी जो स्किन है पूरी तरह से एक बैरियर जैसी स्किन है, अपने हैंड को ज़मीन में गाड़ देता जिससे कि वह अटैक कर सके ब्लाइंडली। वे सोचने लगता कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, बिकॉज उसको नहीं पता चल रहा होता किधर से अटैक करेगा। जैसे वे सीक्रेटली उस पर अटैक करता है वो उसको अपनी स्टिक से दूर अटैक कर देता है, लेकिन वह कहता तुम सच में अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले ही अपने किलाउटी को आकर अटैक कर देता है। वह कहता तुम पर फिजिकल अटैक काम नहीं करेंगे, लेकिन मैजिक अटैक के बारे में क्या कहोगे। वह उससे उसका माना होता है उसको शक करने के लिए कहता है, जिससे कि उसके सारे माना को वो शक कर ले, और सिलेम ऐसा ही करता है। वह दूसरे हाथ से उस पर अटैक करने को होता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ रिंग पहना देता है जिससे कि उसकी मैजिक को वह रिस्ट्रेन कर सके। मैं कहता है तुम आखिर कितने टाइम तक ये सब रुक कर रख सकती हो, इससे वह अकेला ही एकदम खड़ा रह गया होता। वह कहता है सभी लोगों से एक बार में अटैक करने के लिए, बिकॉज जो रिंग्स होती हैं अब धीरे धीरे करके क्रैक्स आने लगी होती हैं, इसीलिए वह कहता है सभी लोगों से एक बार में पावरफुल अटैक करने के लिए अटैक करने को। ज्वार जाने लगता तो अपनी मैजिक से उसको पावरफुल बना देता, लेकिन तभी वह कहता है विक्टर तुम अपने आप को ज़्यादा समझ रही हो, लेकिन मेरा अटैक तो पहले ही तुम पर अटैक के लिए तैयार है, तुम भूल गए क्या। लेकिन वह कहता तुम पहले से भूल चुके हो, बिकॉज उसके पीछे एफल होती है जो कि एक अटैक तैयार कर रही होती है मोस्ट पावरफुल अटैक जिससे उस पर अटैक कर सके। जैसे ही उसके बारे में उसे पता चलता है प्रेजेंस के बारे में तो पीछे की तरफ घूमकर देखता है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका होता है, और बट उस पर सूट कर देती है, और जिस अटैक को देखकर वह भी काफ़ी शॉक्ड होता है। लेकिन तभी उसके ऊपर जाकर
जुआर भी अटैक कर देता है, उसके हाथ को एक कट कर देता है, जिससे अभी उसके दोनों हाथ खराब हो चुकी होती हैं। और वह कहता है कि पहली बार कोई है जो कि उसको इस स्थिति में ला चुका है, जो कि केविन है। सच में उसको बहुत ज़्यादा ही कम आका था, लेकिन उसकी जो लिंक्स होती हैं अब टूट गई होती हैं। और वह अटैक कर देता है, लेकिन वह अपने सारे कंपनियों को पहले पीछे बुला लेता है, जिससे कोई भी अटैक ना कर सके। और केल्विन होता है विक्टर को अब सरेंडर करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन विक्टर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और कहता है कि अभी तो अभी जो वॉर स्टार्ट हुई है, केवल धुंधी धुंधी में बदल जाता है। तो मेलफोनों से बताती है उसे रोकने के लिए भी सभी लोग एक बार में अपने पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे उसे ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सकें, लेकिन कोई फायदा नहीं। अभी लेट हो चुके होते हैं अटैक करने के लिए, बिकॉज पूरी तरह से अब ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, सारे अटैक्स उस पर कुछ भी काम नहीं करने वाले होते हैं। इससे सारे लोग उसके अटैक को इस तरह मतलब रूप को देखते हैं। तो केल्विन होता है ज्वार से कहता है अपनी फुल लॉयल्टी पावर यूज करने के लिए, वह कहता है लेकिन ये काफ़ी कम टाइम के लिए यूज कर पाएगा। तो केल्विन उससे कहता है कि जितने टाइम यूज कर सकता है वह करे, यही उसके पास में एक अकेला इकलौता मौका बचा है। जी विक्टर होता है वह अटैक के लिए तैयार होता है और उस पर अटैक कर देता है। केल्विन होता है अपनी अर्थशील्ड बनाकर जिससे कि बैरियर से रोक लेता है उस अटैक के लिए, और ज्वार होता है वह अपने बैरियर से रोकता है यानी शील्ड से रोकता है। दोनों मिलकर उस अटैक को तो रोक लेती हैं और वह उसके ऊपर अटैक करता रहता है। और इधर जो एफल होती है वह अपनी एरो तैयार करने लगती है अटैक करने के लिए, और विक्टर अटैक करता है ज्वार के ऊपर एक पंच से, जिससे कि ज्वार होता है वहीं पर डेर हो गया होता है, जिसके ऊपर वह द्वार से अटैक लेने जाने लगता है। अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक फाइनल ब्लू अटैक करने को होता है, जिससे कि वो उसे खत्म कर सके। लेकिन तभी एफल उस पर अपनी एरो से अटैक करने लगती है बार बार, और वह ज्वार से कहती है इनक्रेज करने के लिए और एक बार में अटैक करने की, जिससे कि हम साथ में मिलकर उसको हरा देंगे। उसकी ऐसी इस बातों को सुनकर ज्वार भी तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है, उसे ब्लाइंडली उस पर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और सभी लोग द्वार से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर केल्विन होता है वह फिर से उस पर अटैक नहीं कहता अपना पावरफुल अटैक, जैसी वह उसके ऊपर अटैक करने की जा रही होती है मतलब विक्टर अटैक नहीं जा रहा होता है, तो वह दोबारा से उस पर डॉच कर लेता अटैक से। इधर एफएल होती है वह भी अटैक कर देती है अपने पावरफुल एरो को, जिससे वह अपने हाथ से ये रोक लेता है। देखकर तो केल्विन काफ़ी शॉक्ड होता है, लेकिन तभी अपने क्लाउडो को अटैक करता है, उसे कर्स्ट वेपन से अटैक नहीं कहता है। इतने सारे कर्स्ट वेपन को देखकर विक्टर भी सोचने लगता है कि आखिर इसके पास में कितने सारे कर्स्ट वेपन है। लेकिन तभी केल्विन होता है वह भी एक अटैक तैयार करने लगता है और सभी लोगों से पावरफुल अटैक करने के लिए कहता है। सभी लोग एक साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, जो कि अब उसका एंड आ गया होता है। इस लास्ट टाइम में वह केवल एक बार सियाना की तरफ यानी कि गर्ल की तरफ ही देखता है, सीना की तरफ, जो कि अब वहीं पर बंदी होती है, जिसके बाद में अब हार चुका होता है। सारा जो पैसेल होता है यानी जगह पूरी टूटने लगती है, एक स्टोन जाकर उस गर्ल के ऊपर गिरने को होता है, लेकिन लास्ट पावर को यूज करके वह उसको सेव करने लगता है और उस गर्ल को बचा लेता है और कहता है उसका मिशन पूरा हुआ। केल्विन उसे कहता है कि आखिर वो उसे मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने ये सब क्यों कहा। तो वह कहता है डीमन लॉर्ड का आदेश था कि वह उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखे, लेकिन अभी वहाँ पर इतनी केयर थी। पास्ट के बारे में बताता है कि डीमन लॉर्ड थे जिन्होंने अपनी गर्ल को यानी डॉटर को मुझे दे दिया था ट्रेन करने के लिए और सेफ रखने के लिए। उसने उसको ट्रेन किया और फिर अचानक से ही जो सुपर मतलब हीरोज थे ह्यूमंस में जो हीरो था वो अटैक कर देता है पैलेस पर। समय तबाही होने लगती है और वह भी डीमन लॉर्ड के साथ में फाइट करना चाहता था, लेकिन डीमन लॉर्ड ने उसे कहा कि नहीं वह फाइट नहीं करेगा, बल्कि वह उसकी डॉटर को सेव करके रखे। इसीलिए उसने अपनी जो डॉटर थी उसको एक बैरियर में सेव करने कैद कर दिया कह सकते हैं, जिससे कि वह उसको प्रोटेक्ट करके रख सके। और उसको बैरियर को केवल एक ह्यूमन ही तोड़ सकता है, बिकॉज ह्यूमन सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसीलिए अब तक वह वेट करता रहा। बॉर तो पूरी तरह से अब खत्म हो गई है, धीरे धीरे फाइट होते हुए, और इस तरह से काफ़ी सारा टाइम भी बीत गया उसी बैरियर के बनने के बाद में। और अब यहाँ पर बिल्कुल ही अलग जगह पर हम पड़ चुके थे। अब वह केवल चाहता था कि सीना है वह बार आज़ाद हो सके और डीमन लॉर्ड का मिशन आगे चल के पूरा कर सके, लेकिन अब जैसा वह चाहता था वैसा तो वह नहीं हो पाया है। लेकिन वह अभी सीना आज़ाद हो चुकी है, इसलिए वह चाहता है कि केल्विन वह अपने साथ में अपनी कंपनी के तौर पर सीना के लिए रखे। तो वह कहता है कि वह ऐसा क्यों करे। तो वह कहता है वह जानता है वह एक समनर है, इसीलिए वह उसको कंपनी के तौर पर रख सकता है, बिकॉज अभी वह जैसा चाहता था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन अब सीना आखिरकार आज़ाद तो हो ही गई है ना, इसीलिए वह चाहता है वह उसके साथ रखे। वह कहता है कि अब वह भी मतलब उसको भी अपने कंपनी के तौर पर रख सकता है, उसे हील कर सकता है, लेकिन वह कहता नहीं वैसा नहीं करेगा, बिकॉज अपने लॉर्ड के लिए केवल ये काम करता है और बस अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और अब सीना को तुम अपना साथ में रखना, बस इतना ही वह चाहता है, जिस साथ वो प्रोटेक्ट करके भी रख सकेगा और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उस पर पूरा भरोसा है। और अब वह किसी और को फॉलो नहीं करेगा अपनी लॉर्ड की सेवाएं, और अब वह बहुत लेट हो चुका है। और वह कहता है कि सीना अब अभी सब कुछ ही सुन रही है उसकी बातों को, जब उसको जगाएगा तब उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगी, इसीलिए वो उसको बचा ले। और इसीलिए यहीं पर वह एकदम कोलैप्स हो जाता है, जो केल्विन होता है ऊपर तक जाने लगता है। तो एफल उसको रोकती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना आगे चल के एक डीमन लॉर्ड ही बनने वाली है।
पर कहता था, हाँ क्या कर सकते हैं, अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पर ये है। मैं जाकर वहाँ कुछ क्रिस्टल्स होते हैं उनको छूता जिसकी वजह से एक नेकलेस सा आता और जाकर उसे सीना के चेस्ट पर लग जाता, जिसके बाद जाग जाती है और वो उसे देखती है, एकदम अचानक से रोने लगती है विक्टर की बातों को सुनकर, बिकॉज वो सारी बातें हाँ सच में सुन रही थी। बाहर आते हैं तो बाहर जो एडवेंचर होता है वो उसे कहता है, क्या सच में मिशन सक्सेसफुल रहा? वह कहता हाँ, डीमन लॉर्ड को उसने पहले उस डीमन को हरा दिया, डीमन लॉर्ड ने डीमन को हरा दिया है। वह कहती है गर्ल कौन है तो बताती, पहली एडवेंचर है जिसने कि उस डीमन को देखा था, जिसके बाद उसको इस वहीं पर डीमन ने कैद कर लिया था। अभी इतनी ज़्यादा वीक है इसीलिए वो उसको खुद ही अपने साथ में ले जाना पड़ रहा है। तो कहता है ठीक है। अभी वहाँ से वे जाने के लिए कहता है, वह आर्मर का एक सेट भी लाया होता है जिससे कि उस प्रूफ कर सके कि हाँ उसने डीमन को हरा दिया होता है। वह कहता है ठीक है वहाँ से जाने के लिए, कहता ठीक है, लेकिन मैं सोचता है कि आखिर जो उसने क्रिस्टल या फिर नेगलसा मिला था जिसकी वजह से उसके जो हॉर्न थे और अपीयरेंस डीमन की पूरी तरह से शील्ड हो चुकी है, उसकी वजह से वह जो बंदा होता है वह उसको पहचान नहीं पा रहा होता है। लेकिन जुआड़ होता है वो काफ़ी थक गया होता है इतनी बैटल के बाद, इसीलिए मैं कहता है ठीक है वहाँ से निकलना ही ठीक है। कुछ टाइम पर जब पहुँच गई होती हैं अब दोबारा समन करता है जुआड़ के लिए, जिसका आर्मर पूरी तरह से अपग्रेड हो गया होता है न्यू आर्मर में। मैं कहता था ओ सच में तुम तो अब पहले से पावरफुल हो गई हो। वह उसकी स्टेट्स चेक करता है जो कि काफ़ी पावरफुल हो गई होती हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी यदि सेटिस्फाइड होता है कि अगर इतना अपडेट हो गया है। मैं कहता है वह अपनी नाइट के तौर पर अपना काम जारी रखेगा। मैं कहता है ऐसा है क्या? वह कहता है लेकिन उसके मजाक बनाते हुए कि ओह लेकिन इस आर्मर के सेट के पीछे बस एक ओल्ड मैन है जो कि इतना सिर्फ फेंक रहा है। वह कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, दोबारा तो जरा कहो। उसे भड़कने लगता है, लेकिन तभी सीना को देखता है जो काफ़ी उदास बैठी होती है। वह कहता है क्या तुम्हें कुछ कहना है? वह कहती है कि सच में मैं एक डीमन लॉर्ड की डॉटर है, क्या तुम अपना कंपनी बनाकर उसको अपने साथ में सच में रखना चाहती हो? बिल्कुल इससे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ही परेशानी खड़ी हो सकती है। वह कहता है तुम चिंता मत करो, वह पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखेगा बिकॉज उसके पास में एस क्लास कंसीलिंग स्किल्स हैं, इसी को दिक्कत की बात नहीं। वह कहती है सच में तो तुम सच में एक हीरो हो है ना, ह्यूमंस के हीरो? लेकिन वो उसकी बात से कहता नहीं मैं कोई हीरो नहीं है बल्कि नॉर्मल सा एडवेंचर है जिसको एडवेंचर करना काफ़ी पसंद है। लेकिन सबके साथ ही कहते हैं नहीं उसको बैटल करना ज़्यादा पसंद है। ये सर स्ट्रेस प्यासें लगती हैं और कहते हैं ठीक है, उसको उस पर बिलीव है। वे उसके साथ में रहने का कंपनी तौर बनने के बाद वह बताती है कि जब से छोटी थी तब से केवल अपने कैसल में ही रहती थी, इसीलिए वे उसको विलेज में घुमाने ले आते हैं। जब लोग एडवेंचर गोल में पहुँचते हैं तो बस सारे लोग उसका वेलकम करते हैं और सब कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं ए रैंक एडवेंचर बनने के लिए। गोल मास्टर सोचता है उसका टाइम आ गया है टेस्ट लेने का। इधर बे लोग होते हैं, सब लोग जब मस्ती कर रहे होते हैं और जहाँ पर कि सीना के लिए आर्मर्स का सेट दे दिया गया होता कैल्विन द्वारा और वो उसे कहता है इसे तुम अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करके एक बार चेक कर सकती हो, इसे पता चले तुम कितनी पावरफुल हो। एक स्वार्ड देता है ज्वार के लिए और वह कहता है ये स्वार्ड एक डेमोनिक स्वार्ड है, लेकिन तुम्हारी पुरानी स्वार्ड की उतना ही वेट है उतनी ही बड़ी है, तुम आराम से कैजुअली इसके आदि फिर से हो सकती हो या फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। उन्हें एक पैलेस मिला होता है जहाँ पर के रहने के लिए जाते हैं, दो गर्ल्स होती हैं और वे दोनों मेड होती हैं इस घर में, अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और वह कहती हैं लिटिल गर्ल उसकी डॉटर है और वे लोग यहाँ पर अब मेड है। वे कहते हैं काफ़ी अच्छा है। वे लोग अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर एक पूल देखता है जहाँ पर उसे बाथ लेने के बाद वह सोचता है अब सोना जाना ठीक है, लेकिन तभी अचानक से जागता है, उसे पता चलता है कि मेलफीनिया के लिए अब वह समन कर सकता है। जब वह समन करता है तो सामने आती है एक गॉडेस की तरह और वो उससे पूछती है कि आखिर उसके बारे में क्या सोचता है, तो बताता है कि वह उसके टाइप की ही है। इधर इस तरह कुकीज खा रहे होते हैं तो वह कहता है क्या तुम एक सभी पूरे बिलेजर्स की बिलीवर होने के नाते क्या मैं तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ? वह कहती है हाँ, लेकिन तुम पूरे नाम की वजह आधे नाम से बुला सकती हो। और वह उसे बताता है क्या वह भी एल्फा है उसके साथ उसकी तरह ही उसके पास ब्लेसिंग्स है? तो वह कहती है नहीं, उसके पास में थोड़ी अलग दो ब्लेसिंग्स हैं। वह कहती है ये लो, ये कहकर भी एक फ्लावर सा बनाती है और उसको उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करा देती है। वह कहता है आखिर ये क्या है? तो बताती है अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में कि उसकी ब्लेसिंग्स एफल से बिल्कुल अलग हैं। बताती पहली है एक मंथ में एक बार भी इम्यून डैमेज ले सकता है, वे कहती सच में काफ़ी अच्छा है। उसकी दूसरी ब्लेसिंग है कि वह किसी भी दूसरे यानी एक्सीडेंट या फिर कोई सरप्राइज अटैक से आराम से डॉच या ब्लॉक कर सकता है। वह कहता सच में काफ़ी यदि औसम है। फिर उसे बताती है समन हीरोज के बारे में, तो वह कहता कि समन हीरो क्या है? तो कहते ठीक है काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है, एक उसको काफ़ी टाइम लगेगा समझाने में। मैं बताती है पहले वह डीमन लॉर्ड के बारे में बताती है। मैं कहती है ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन हाँ हमेशा होता ही है कि कोई ना कोई डीमन लॉर्ड हमेशा से ही आता रहता है, इसीलिए उसने हीरो को समन या फिर इनकार्नेट किया है, इसलिए वैसे वह भी एक हीरो को समन कर सकता है, काफ़ी अच्छा रहेगा उसके लिए भी जिससे कि वह डीमन लॉर्ड को हरा सके। लेकिन जिसके बाद में दो एबिलिटी होती हैं, पहली होती है वह किसी भी डैमेज है उसको दूसरी तरफ फ्लैट कर सकता है और दूसरी होती है जिससे कि कोई भी डैमेज एक्स्ट्रा डैमेज एक्सटर्नल डैमेज मिलता है तो उसको पूरी बॉडी पर ले सकता है, जो कि काफ़ी यदि अलग है। वह कहता आखिर ये कैसे? तो काफ़ी यदि खतरनाक है, इतनी ज़्यादा मतलब यूजफुल भी नहीं है। वह कह लगती है हाँ बिल्कुल,
लेकिन यदि बात की एक डीमन लॉर्ड की तो उसको 24/7 यानी हमेशा ही वह इनविंसिबल रहता है। वह कहता क्या आखिर इस तरह से तो बिल्कुल यूजलेस है, ऐसे व्यक्ति से कौन फाइट करेगा जिसके साथ फाइट करना इम्पॉसिबल है, सारे अटैक यूजलेस होते हैं। वह कहते चिंता मत करो, अदरवर्ल्ड से जो समन किए जाते हैं, रिनकार्नेट किए जाते हैं, उनके पास में ये एबिलिटी होती है कि इनविंसिबिलिटी को तोड़ सकते हैं, इसीलिए वह कहता है ऐसा है क्या। कहता हाँ सारे जो हीरोज हैं इसीलिए समन किए जाते हैं अदरवर्ल्ड से, लेकिन क्या कर सकते हैं। वह बताती है लेकिन जो समन है और रिनकार्नेशन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, यानी जो समन किए जाते हैं उनके बारे में बताती है कि समन के पास में वो थोड़े से कम पावरफुल होते हैं और अपनी पूरी बॉडी के साथ में ही यहाँ पर समन हो जाते हैं। लेकिन यदि बात किया रिनकार्नेशन की तो रिनकार्नेशन थोड़ा उससे अलग होता है, बिकॉज रिनकार्नेशन करते टाइम एक हीरो की सोल को लाया जाता है और उसके लिए एक न्यू बॉडी डेवलप की जाती है, उस बॉडी में उसको रिनकार्नेट किया जाता है। और लेकिन यदि बात की जाए समनर्स में से और रिनकार्नेट में से तो आखिर कौन पावरफुल है, तो वह कहते हैं हाँ सच में लेकिन जो रिनकार्नेशन वाले होते हैं समनर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और वह कहती है वैसे वह अपनी अपीयरेंस वगैरह उसको भी चेंज कर सकता है, भी कहता है सच में क्या कर सकता है। कहती हाँ लेकिन उसके लिए उसको स्किल्स पॉइंट लगने वाले हैं। इधर दिखाया तो आ गया होता है, सभी लोगों को बुलाता है और सभी लोगों को साथ में बात करते हुए कहता है कि अब एक हीरो को समन करने जा रहा है। मेलफेनिया कहती है क्या सच में इतने जल्दी उसने मन बना लिया। कहता है ऑफकोर्स, भी कहते हैं क्या तुम लोगों को कोई इसे दिक्कत है क्या। लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है, कहता है ठीक है वो उन सभी को ध्यान रखने वाला है और अभी वह एक हीरो को समन करने वाला है इस वर्ल्ड में, इसके साथ में कंपनी के तौर पर वे उसको कुछ स्किल्स देती हैं जिससे कि वह समन कर सके और इसे माना पोषण देते हैं जिससे उसका जो माना है वह खत्म ना हो हीरो के समनिंग के दौरान भी। वह कहता ठीक है, तो पूछती है कि आखिर कितने उसकी एमपी खत्म होने वाली है, तो वह कहता है एक एमपी काफ़ी होगी किसी को भी समन करने के लिए, मोस्ट पावरफुल करेक्टर समन करने के लिए, उसके लिए समने के लिए तैयार हो जाता है। सारे लोग होते हैं दूर खड़े हो जाते हैं। वह कहता है ठीक है, अपनी स्टिक को सामने करता है और वहाँ पर एक मैजिक सर्कल सा बनने लगता है उस समनिंग रिचुअल के दौरान, जिसके जैसे भी हीरो को समन कर सके लेकिन कोई भी समन नहीं होता है। तो मेलफेनिया उसे बताती है उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए उसे वेट करना चाहिए, कुछ टाइम निकल जाता है इस तरह से, लेकिन कुछ भी समन नहीं हो रहा होता है। मैं कहता थोड़ा उसे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस तरह से वेट करते रहते हैं और अचानक से लाइटिंग चमकती है और समय धुंधी हो जाती है और फिर वहाँ पर उसे एक छोटी सी गर्ल दिखती है, लेकिन जिसे देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होता है और सर्कल वहाँ से चला जाता है। मैं कहता आखिर ये क्या, ये तो एक बच्चा है, शायद ये लड़का भी हो सकता है। वह उससे पूछता है और कहता है वे मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इस तरह समन किया, मैं एक एडवेंचर हूँ। वह शौक खुश हो जाती है और कहती है क्या सच में उसका नाम राया है, और उसे थैंक्स कहती है कि वह यहाँ पर एक दूसरे वर्ल्ड में समन हुई है सच में। वह उसे माफ़ी मांगता है कि बिना किसी इजाज़त के उसको यहाँ पर समन कर लिया, इसीलिए उसे माफ़ कर दे। लेकिन वहाँ पर रोने लगती है और उसे आकर हक कर लेती है और उसे थैंक्स कह रही होती है समन करने के लिए। लेकिन जुआल कहता है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल्स है जिसे तुम हर गर्ल को रुला देते हो। वह कहते हैं ऐसी कोई स्किल उसके पास में नहीं है, वो उसे शांत कराता है। और फिर नेक्स्ट वह कहता है उसका नाम है रियोन से उसे बुलाएगा और उसे तैयार रहने कहता है, बिकॉज एक एडवेंचर और मैजिक का वर्ल्ड है, हमें सर उसे तैयार रहना चाहिए हार्ड वर्क के लिए। इधर सोचता है उसकी मेट्स हैं उसको काफ़ी पावरफुल बनाना चाहिए जिससे कि यहाँ पर और भी रक्षा कर सकें इस घर के लिए भी। इसे डंजन में भेज देता अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग स्किल को यूज करके, जिससे यहाँ पर सीना और जुआल दोनों फाइट कर रही होती और सीना काफ़ी कम मतलब कंपीट कर रही होती है रिवॉर्ड के सामने कौन ज़्यादा मॉन्स्टर मार पाएगा इसीलिए। लेकिन इससे काफ़ी जो भी लोग होते हैं सब उसके साथ वाले लेवल अप हो रहे होते हैं, इसे कर काफ़ी शॉक्ड जाते हैं और रियोना भी शॉक होती है कि आखिर कैसे। तो वह कहता है अपने सारे लोग हैं अपने अपने स्टेट को ज़रा चेक करो, वे लोग काफ़ी शॉक्ड होती हैं कि उनकी पावर से अपने आप ही लेवल अप होती जा रही हैं। वह कहता हाँ, लेकिन तभी उसे एक मैसेज मिलता है कि हाँ यहाँ पर कोई एक शैडो वॉल्फ आ रहा है। वह तैयार हो जाता है और वह कहता है मेलफिनिया से उन मेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वह तैयार होती है, वह जैसे ही अटैक करने के लिए आता है वॉल्फ तो उसके ऊपर अटैक कर देता है अपनी ग्रेविटी मैजिक से और उसके बाद उसको अपना पैक्ट बना लेता है। इसे देखकर रियोना काफ़ी खुश होती है, जैसे वो दोबारा से उसे समन करता है तो उसके ऊपर दोनों गर्ल्स होती हैं रियोना और वह मेड बहनों ही भीड़ भरती हैं, उसे काफ़ी क्यूट लगता है उन लोगों को। बिल्कुल जंगल की तरफ जाने लगती हैं तो एफल कहती है कि हम इस तरह जंगल में जा रहे हैं बिकॉज थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज जंगल में उसकी जो एल्फ फैक्ट्स के लोग हैं सभी लोग वहीं रहते हैं। लेकिन सियाना कहती है उसने पहली जानकारी ले ली है हम लोग ईस्ट में जा रहे हैं इसीलिए, क्योंकि बेस्ट की तरफ सारी एल्फ रहती हैं और मेलफेना भी उसके साथ में जा रही होती है और जो एल्फ हैं उन पर कोई ना कोई असेशंस होते हैं अटैक करते रहते हैं। लेकिन अभी वे गांव किंगडम है उसकी प्रोटेक्शन में है इसीलिए वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खतरा है। देखा तो गुलडन ने उन्हें पहले बुलाया था एक मिशन के तौर पर और बताते हैं कि अभी जो मतलब असेसंस हैं पूरे विलेज को उनसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना हो, तुम वहाँ पर इसलिए भेजा जा रहा है कि उन्हें शायद ऐसा कुछ हो सकता है इसलिए तुम वहाँ पर जा रहे हो, लेकिन तुम्हें मिसल स्पेशली दिया जा रहा है। केल्विन होता है, वह कहता है हाँ बिल्कुल उसे पता है ये तभी थ्रेड मतलब थ्रोकन सिटी है या फिर मतलब किंगडम है उसके चारों तरफ
ये सब होता रहता है, इसीलिए उसको इसके बारे में जानकारी है। मैं कहता हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें स्पेशल तौर पर मिशन दिया जा रहा है जिसके बाद तुम आसानी से ही एस रैंक पर ही प्रमोट हो सकते हो। ये मिशन है फिर उसको मतलब गुड लीडर के डायरेक्ट द्वारा दिया जा रहा है और वह भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज उसके बाद वो डायरेक्ट एस रैंक पर ही प्रमोट होने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है। उसका कंपेनियन भी स्टार्ट मतलब एक्साइटेड होते हैं। वैसे किसी को भी एस रैंक पर प्रमोट होने के लिए दो कंट्रीज की जो किंग्स होती हैं उनकी अथॉरिटी चाहिए होती है बिकॉज एस रैंक कोई आम मामला नहीं है। इसीलिए उसको अभी थ्रेटन किंगडम है उनको तो अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन सुजुकी जो कि दूसरी किंगडम है की किंग है या फिर हाँ किंग कह सकती हैं क्वीन है, उससे भी अथॉरिटी लेनी होगी। उसके पास ही सिर्फ चार या भी जिससे कि वैसे रैंक पर प्रमोट हो चुके हैं। मेलफेनिया भी उससे कहती है हाँ, लेकिन वह काफ़ी कम एज में इतना कुछ कर रहा है इसीलिए उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। वह कहता हाँ वह भी इसके लिए तैयार है, काफ़ी एक्साइटेड है। वैसे भी उसे जो विलेज है उसको प्रोटेक्ट करना होगा। सीरा उसे बता दे इस विलेज के बारे में यानी एल्फ्स के विलेज के बारे में, इस पर अटैक हो रहा है। वह कहता ठीक है उसके लिए वह काफ़ी ज़्यादा ही तैयार है। लेकिन तभी ज्वाल कहता है वैसे क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी सी प्लानिंग नहीं है ना जिसके बाद तुम किंग से ही भिड़ने की बात करो। मैं कहता नहीं ऐसे कुछ की प्लानिंग नहीं है। एफल भी कहती है हाँ बिकॉज किंग होते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सीरा भी कहती है उसके पास फॉर्च्यूनिंग की स्किल्स हैं। लेकिन तभी दिखाते कैरो आता उनके गाड़ी के सामने करेक्ट, इसके बाद दिखाया था काफ़ी सारी एल्फ उनको घेर लेती हैं। वह आकर अपना ऑर्डर दिखाता है और वह कहता है उसे किंग द्वारा फिर भेजा गया मिशन के तौर पर, वह उनके लीडर को बुलाने के लिए कहता है। उसके मिशन को देखते हैं कि हाँ ये असली है और इसीलिए वे लोग आ जाते हैं उस ऑर्डर को देखकर। वहाँ पर एक लीडर आता उनका जो कि अपने आप को इंट्रोडक्शन देता और कहता माफ़ करना है तो रूडनेस होने के लिए, मैं एल्फ का एल्डर हूँ। सारे लोग काफ़ी शॉक्ड होती हैं कि जो एल्डर है सच में कितने ज़्यादा यंग है। जो एल्डर होता है वह कहता है कि उसने सुना है किंग लियोनार्ड के बारे में, इसलिए आगे तरफ बढ़ता है। लेकिन वह एफल को देखता है और कहता आखिर रूई तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर सकती हो, क्या कर रही हो। वह काफ़ी स्वागत होता है उसे देखकर, लेकिन उसे देखकर काफ़ी सुन होती है कि रूमा उसे क्यों बुला रहे हैं। वे लोग पहुँच जाते हैं और जब बैठे होते हैं तो वह कहता मुझे माफ़ करने इस तरह से रूडली बिहेव करने के लिए। वह कहता आखिर तुमने उसे रूमा बुलाया था आखिर क्यों। तो वह कहता लगता है इसके पीछे काफ़ी बड़ी एक स्टोरी है बिकॉज वह थोड़ी उसकी तरह ही दिखती है इसलिए उसने उसको गलत समझा था। वह कहता आखिर वह जानना चाहता और बताता है उसने उसे एक सर्वेंट ट्रेडर से उसे खरीदा था जिसके ऊपर एक फायर ड्रैगन का कष्ट लगा हुआ था, इसीलिए उसके बारे में और जानना चाहता है कि उसकी फैमिली उसके बैकग्राउंड के बारे में क्या है। तो वह कहता है ठीक है, उसे बताने के तैयार हो जाता और बताता है कि वेस्टर्न किंगडम की तरफ एक एल्फ का विलेज है था जहाँ पर कि काफ़ी सारी एल्फ रहती थी और वहाँ पर एक फायर ड्रैगन डीमन लॉर्ड रहता था, इसी समय की तबाही मचा रहा था और जिसके वजह से एल्फ्स थे विलेज था उन्होंने उसके साथ में कुछ भी नहीं किया और आराम से अपनी शांति से उनके साथ में रहते थे। लेकिन एक दिन जो डीमन लॉर्ड था या फिर ड्रैगन कह सकती हैं वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है अपनी फायर से, जिसके बाद उन्होंने करीब आधे विलेज को वहीं पर उसने तबाह कर दिया। जिसके बाद कोई और तो सामने नहीं आया लेकिन जो रूमा थी वहाँ पर एक एल्ब उसके सामने आई और उसे कहने लगी उसे जो भी गुस्सा उतारनी है वो उसके ऊपर उतार सकता है लेकिन वह विलेज वाले बाकी लोग हैं उन सभी को जाने दे। लेकिन उसकी बात सुनकर वह कहता कि वह बहन नहीं है जिसको वह ढूंढ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसको कुछ देता और वहाँ से वह चला जाता है अपने साथ में लेकर, ड्रीमन लॉर्ड वहाँ से चला जाता है। इस तरह से काफ़ी टाइम बीत जाता है। बेकि लोग कहते हैं आखिर लेकिन इसमें क्या हुआ, तो बताता है लेकिन इसके बाद सारे एल्फ थे चैन से रहने लगे। लेकिन वेस्टर्न किंगडम जो विलेज था उसमें जंगल में अचानक से उन्हें रूमा की एक लाश मिलती है, जिसके बाद जो डीमन लॉर्ड था वो दोबारा से आ जाता है और फिर से तबाही मचाना शुरू कर देता है। बस यही इसीलिए और ये काफ़ी ज़्यादा रूमा की तरह दिखती है इसलिए शायद ये रूमा की डॉटर हो सकती है। लेकिन सीरा कहती है आखिर ये कैसे, बिकॉज वह एक हाफ हेल्फ है जिसका मतलब है एक ह्यूमन की और एक एल्फ की डॉटर हो सकती है। लेकिन बात की जाए यदि डीमन लॉर्ड या फिर ड्रैगन की तो उसकी और एक एल्फ की ये नहीं हो सकता है ना, आखिर कैसे हो सकता है, काफ़ी यदि अलग होगा ना। इसके बाद सुनकर काफ़ी लोग शॉक्ड होते हैं लेकिन इसके पीछे मिस्ट्री क्या हो सकती है। लेकिन जो एफल होती है वह उसे थैंक्स कहती है कि आखिर उसके पेरेंट्स के बारे में उसे बताने के लिए, लेकिन एल्डर उसे माफ़ी मांग रहा होता है। वह कहता कोई बात नहीं बिकॉज अभी उसके अपने पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था, उसने बताया उसके लिए थैंक्स ही कहती है सारी इन्फॉर्मेशन के लिए भी। लेकिन अभी काफ़ी अधिक खुश है उसकी जो न्यू फैमिली मिली है उसमें ही, वह उसे थैंक्स कहती लेकिन अभी फैमिली के साथ में खुश है। सारे लोग आकर काफ़ी ज़्यादा उसे दिलासा देते हैं। तभी कैलविन पूछता है उसका उद्देश्य आखिर मिशन के लिए, तो वह बताता है कि हमारा जो विलेज है इस पूरे मतलब पूरे जंगल में एक जगह छुपा हुआ विलेज है, लेकिन फिर भी कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो कि हमेशा ही उसके विलेज को पता ढूंढ लेते हैं आखिर वह कहाँ पर है। इतने सारे स्क्रिप्चर को यूज करने के बाद भी वे लोग पता नहीं कैसे उनको ढूंढ लेते हैं रास्ता भटकाने के बाद भी। वह सोचने लगता है शायद इसके साथ में तो कुछ गड़बड़ है।
इतने सारे स्क्रब्स इन्होंने इसीलिए यूज किए थे। वह उसे हेल्प मांगती हैं कि आखिर हमारे विलेज उनको प्रोटेक्ट करे, बिकॉज उन मॉन्स्टर के सामने वे लोग पूरी तरह से यूजलेस हो जाते हैं। और यहाँ तक कि उसके काफ़ी सारे एल्फ साथ ही होते हैं जिनको किडनैप कर लिया जाता है, और बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करने से कुछ नहीं कर पाते हैं। जुआर कहता है कि पूरे से विलेज को प्रोटेक्ट करेगा, सारे लोग भी सेमी कहते हैं इस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी केल्विन कहता है कि ठीक है, लेकिन उसको इस विलेज में कुछ सारे चेंजेस करने होंगे। लेकिन जो किंग होता है उसे मना करता है किसी भी चेंजेस करने के लिए। वह कहता है लेकिन वह उसे पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करने की खुद ही जिम्मेदारी लेता है। ये बात सुनकर वह कहता है ठीक है। वह काफ़ी बड़ी एक डेविल स्माइल देता है और कहता है सभी लोगों से अभी बिजी टाइम जाने वाला है, तो हम लोग अभी सब काम लगने वाले हैं। जुआर कहता है सच में उसे उन एनिमीज पर तरस आ रहा है, पता नहीं अब क्या करने वाला है केल्विन के साथ में। देखा जाता है रात का टाइम होता है, ह्यूमंस होते हैं जो कि उन सारे मॉन्स्टर्स को लेकर जा रहे होते हैं, जो कि लीड कर रहे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वे आसानी से ही जाकर फिर से उन एप्स को पकड़ लेंगे, और उनकी जो कॉर्पोरेशन है बीस्ट किंग के साथ में उनके किंगडम पर ना अटैक करने के लिए वे भी काफ़ी अच्छी जा रही है। इन लोग बात करते जा रहे हैं, ये लोग ये जो कि एल्फ्स को पकड़ती हैं और डीमंस के साथ में कोलैबोरेशन कर रखी है इन्होंने, जैसे कि ये लोग उन एल्फ्स को पकड़ सकें। लेकिन उनकी बातें इतनी स्मूथली जा रही होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक एरो कब से आता है और एक सोल्जर को आकर वहीं ढेर कर देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वह कहता है आखिर क्या हुआ। तभी दिखाया था दूसरा सोल्जर्स होता है, उसके ऊपर भी एक अटैक होता है जिसके बाद वह भी ढेर हो जाता है। वह कहने लगता है आखिर ये कैसे हो रहा है, तो बंदा बताता है ये सब एरो के सूट हैं। तो वह लीडर होता है उन सभी का, कैप्टन कह सकती हैं। वह कहता है आखिर ये कैसे, भी कुछ हम कई माइल्स दूर हैं अभी एल्फ्स के विलेज से, आखिर ये कैसे, आखिर कौन है जो कि इन सब पर अटैक कर रहा है, उनको एरो की आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन इस तरह से धीरे धीरे करके सारे सोल्जर्स होते हैं ढेर होने लगते हैं। वह सभी से कहता है मॉन्स्टर के पीछे छुपने के लिए, जिससे कि वे लोग सेफ रख सके अपने आप को। सेम वैसा ही करते हैं वे। इधर दिखाया जाता है एक क्लॉक टावर होता है जहाँ पर से जो केल्विन होता है वह अटैक करवा रहा होता है, अपना मैजिक यूज करती है, और जिसके पास में एफल होती है अटैक को यूज करने के लिए। वह लोग होते हैं उन सभी में से उनका लीडर को वह सेफ रखने कहता है, भाई सबको मारने के लिए कहता है, बिकॉज उसे जिंदा पकड़ना चाहता है। वह एफल कहती है सच में उसके पास जो एरो आया है इससे लगता है कि वह कहीं भी मैजिक का शॉट यूज करके उसे ख़त्म कर सकते हैं, ये सच में काफ़ी पावरफुल है। और उन्होंने पूरे विलेज था उसको एक बैरियर बनाकर रोक दिया था, और कुछ जो इस मिस्ट थी जिसे उसे छुपा रखा था, और ये सब कोई और नहीं बल्कि सीरा ने किया होता है। वे लोग कहते हैं ठीक है हमारे, लेकिन पहला जो काम है विलेज को प्रोटेक्ट करना है, उन सब ह्यूमंस को मारो। और जुआर होता है उस गेट के गेट पर खड़ा होता है, और सारे लोग इंतजार कर रही होती हैं बस उसके लीडर को पकड़ने के लिए। मैं कहता है हाँ ठीक है, लेकिन विलेज को प्रोटेक्ट करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए ध्यान रखें सभी लोग। सभी लोग तैयार होती हैं और वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इधर एक सोल्जर जाता है हायर अप्स को रिपोर्ट करने के लिए, या फिर कोई और है एल्फ्स के विलेज से पहले कोई एनमी आ गया है। और वह कहता है सारे सोल्जर्स हैं मारे जा रहे हैं, उनका लीडर उसको भी पकड़ लिया गया है। मैं कहता उसे पता नहीं, उन सब के बारे में बताता है अपने लीडर अजूरी के लिए। वह कहता आखिर वे कौन है, तो बताता है कि वे एक एडवेंचर्स की पार्टी है जिनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, आखिर वे कौन, वह अननोन है। लेकिन उनके सबके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है कि आखिर कौन कैसे का कैसे फाइट कर रहा है, जो कि काफ़ी अति पावरफुल है, शायद उसकी पूरी आर्मी अब हारने वाली है। वह कहने लगता है ऐसा है क्या। अजूरी कहता है कि ठीक है, उसके पास कोई और चारा नहीं बचा, केवल ट्रंप कार्ड उसको यूज करना होगा जो कि उसने अब तक बचा के रखा था। मैं कहता है ठीक है सब लोग तैयार होने के लिए। लेकिन तभी दिखाया था वहाँ पर रियोना आ जाती है अपने एलेक्स बॉल के साथ में, और यहाँ पर कि रेफेलिया भी आती है। वे देख कर उसे डर जाते हैं और भाग जाता है बंदा। लेकिन उसे देख कर अजूरी होता है, वह कहता ठीक है काफ़ी टाइम हो गया, और चिल्ला कर कहता है इसे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जागता है। वह अपना उसके पास जो विजल होता है बजाने लगता है, जिससे मॉन्स्टर होता है उसके ऑर्डर को मानता है। और रियोना से रेफेलिया कहती है कि हे क्या तुम उसे फाइट कर सकती हो, कि एलेक्स को तुम्हें फाइट करने भेजना चाहिए। लेकिन वह कुछ देर सोचती है और कहती है क्या मैं उसे फाइट करूँ। वह सोचने लगती है हाँ हो सकता है, लेकिन वह उसे बताती है लेकिन वह मॉन्स्टर है, कम से कम एलेक्स से कम नहीं है। लेकिन रियोना कहती है हाँ ठीक है, लेकिन वैसे भी वह कोई चाइल्ड नहीं रही है जिसको हर किसी के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वह उसे यहाँ पर समन किया गया और अपनी ट्रेनिंग को याद करती है जो उसने ट्रेनिंग की होती है। वह कहती है ठीक है, उसके साथ में फाइट कर सकती है और डीमन को आसानी से हरा सकती है। रेफेलिया भी कहती है हाँ ठीक है, और वह वहाँ से फाइट के लिए चली जाती है उस डीमन के साथ में, जिसे कि देखकर अजूरी सोचता है कि सच में वह इतनी ज़्यादा वीक समझ रही है, जो अकेले उसके साथ फाइट करने की समझ गई, सच में अंडर एस्टिमेट कर रही है। वह उस गोलन से अटैक करने के कहता है, लेकिन वह उसे डॉच कर लेती है और उसके पैरों मतलब हाथ पर चढ़ते हुए दोनों लोग चले जाते हैं और सिर पर जाकर उसके अटैक कर देती है। उसकी स्वाट टूट जाती है, उसका मजाक बनाती हैं कि आखिर उससे ऐसे वह उस डीमन को एक इंजर्ड भी कैसे कर सकती है, क्या सोच रही है वह। लेकिन वह उसको अटैक करता है और एक पंच से उसको दूर फेंक देता है, इसे दूर आकर गिरती है और सोचने लगती है उसकी जो बैटल है वो उसके फेवर में नहीं जा रही है इसीलिए।
लेकिन वह अपने आप को प्रूव करना चाहती है, इसीलिए वह क्रोथो यानी कह सकती हैं क्लॉडो से कहता है न्यू वेपन्स देने के लिए। इसीलिए वह उसे 3 स्वॉर्ड्स देती है, इसे दो पकड़ लेती है और दोनों स्वॉर्ड्स एक बार अटैक करने जाने लगती है। और इसे देखकर सब लोग सोचते हैं आखिर ये डबल स्वॉर्ड यूज करने की स्किल तो केवल हीरोज के पास में होती है, आखिर कैसे हो सकता है। वह कैसे उसे नहीं पता आखिर वह क्या कह रहा है, उसको तो बस फाइट करने से मतलब है। वह 2 स्वॉर्ड अपने खुद पकड़ी होती है और 1 स्वॉर्ड उसके साथ में जो एलेक्स होता ले जा रहा होता है। 3 स्वॉर्ड का कॉम्बो यूज करके वे लोग फाइट करते हैं और उसको अचानक से ही ढेर कर देते हैं बहुत आसानी से ही। इसको देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होता है, लेकिन वो उसको ट्रांसफॉर्म होने का ऑर्डर देता है जिससे चारों तरफ उसकी फायर दिख रही होती है और वह एक फायर गोलम में बदल गया होता है अटैक करने के लिए। और वह कहता अटैक करने के लिए उसी के ऊपर, लेकिन वहाँ जो गर्ल होती है यानी सीरा वह कहती है अब शायद उसे फाइट करनी चाहिए। वह अंदर ऑर्डर देता है रियोना के ऊपर अटैक करने के लिए, जैसे वह अटैक करता है उसे डॉच कर लेती है, लेकिन अब शायद वह उसके कब्जे से बाहर फाइट हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर अपनी 3 स्वॉर्ड कॉम्बो यूज करती है और अटैक कर देती है और आखिर वह दोबारा से आ जाती है उसे हराने के बाद। उसे देखकर वे काफ़ी खुश होती हैं। इधर दिखाया जाता है केल्विन सोचता है सच में जो रियोना कितनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है अब पहले से जब उसने ट्रेनिंग किया, लेकिन उसके ऊपर एक स्नैक अटैक होता है तो केल्विन उसे रोक लेता है। उन्हें पता चलता है उनकी लोकेशन है पहले से ही रिवील हो चुकी है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं, उनमें से देखता है जो बंदा है ह्यूमन, वह सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। लेकिन वह एफल को देखता है और कहता है ओ अब तो वह उसे स्लेम बनाएगा, लेकिन उसके कॉन्सेंट्रेशन को केल्विन तोड़ देता है। वह कहता है उस वूमन को तुम छूने की सोच भी नहीं सकते। और तभी केल्विन होता है अपने एक लेंस को समन करता है, अपने लेंस से अटैक कर देता है उस जनरल के ऊपर। जनरल अपने बैरियर से अटैक को रोक लेता है और कहता है तुम बस एक एम पी हो, वही तो यहाँ का मेन करेक्टर है। लेकिन वह कहता है वो ऐसा है क्या, तो फिर तुम अपने इन अटैक्स को और देखो। वह काफ़ी सारे लेंस को दोबारा समन करके वह अटैक कर देता है उस बैरियर पर, लेकिन वे सारे अटैक्स उस बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं, सारे अटैक्स बेकार होते हैं सारे बैरियर के ऊपर। तो वह कहने लगता है ये जो बैरियर है उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता है चाहे तुम कितने भी पावरफुल अटैक कर लो। केल्विन कहता है वो ऐसा है कि एक डेमोनिक स्माइल देने लगता है। वह कहता आखिर तुम इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे हो, तो वह कहता बस ऐसे ही। वह तभी कहता पीछे तो देखो जरा, उसके ऊपर एक गला का अटैक करती है लेकिन अपने लेंस से उसे रोकने लगता है। वह कहता है सब केवल उसके चार्म में अट्रैक्टेड हैं। वह कहने लगता है बेशक फ्री सर्विस उसे दे रही हैं तो उसे कोई दिक्कत भी नहीं है ना। वह कहने लगता है ऐसा है क्या, बेशक भी 8 नंबर हो सकते हैं लेकिन उसके सामने कोई भी 8 नंबर नहीं हुए। कहता उसका मतलब क्या है, कहता ऐसा है क्या, लेकिन फिर भी वे सच में काफ़ी 8 नंबर हैं। लेकिन अचानक से उसके ऊपर अटैक होता है जो कि एफल ने किया होता है, जिससे उसके बैरियर को पेनिट्रेट कर दिया होता है। वहाँ पर अपने काफ़ी सारे गोल्स को समन करता है जिससे उन बैरियर साथ में यानी गर्ल के साथ में अटैक कर सके। उन सबसे वह अटैक करने के लिए कहता है गर्ल से उसके गोलम के ऊपर, वह अपने गोलम से कहता है उनको ना मारे, बस उनको उसके चार्म से आज़ाद करा दें। फाइट के लिए तैयार होते हैं और दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के चले जाते हैं स्पीड से। और जनरल देखता है कि जो केल्विन है वो उसके आसानी से ही उसके साथ में रह सकता है, उसके साथ कम्पीट कर सकता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करता है तो आसानी से एक दूसरे के अटैक से ही डॉच कर रहे होते हैं और अटैक्स करते जा रहे होते हैं। लेकिन उसके हिसाब से केल्विन है वो इतना पावरफुल नहीं है, इसीलिए वो उसके साथ में आकर काम करने के लिए कहता है यानी उसके अंडर काम करने के लिए कहता है। लेकिन केल्विन उसकी बकवास को बंद करने के लिए कहता है। वह कहता है ऐसा है क्या, यदि तुम मेरे किसी काम की नहीं आ सकती हो तो फिर तो उसको ख़त्म करना ही अच्छा रहेगा। एक अगर उस पर काफ़ी सारे अटैक्स की बारिश कर देता है उसे ख़त्म करने के लिए, लेकिन वह केवल उससे बच रहा होता है। और वह कहता है रुकने के बाद आखिर तुम क्या करना चाहती हो, अभी तुम इतनी स्माइल कर रहे थे लेकिन अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसका मजाक बना रहा होता है कि आखिर उसके बैरियर्स एंड गोलेम्स हैं वे अभी उसके सूर्य सामने नहीं टिक पा रहे हैं, और आखिर तुम जो कि हमेशा ही उसकी फाइट से केवल भाग रहे हो, इसीलिए उसे उसके साथ में अंडर काम करने के लिए भी ऑफर करता है यानी एक गुलाम के तौर पर, और वो उसकी पावर यूज कर पाएगा। लेकिन केल्विन होता है वह कहता तुम एक जनरल होकर अपने बारे में सोच रहे हो, इस सारे लोगों को एक बार में गुलाम बनाने के बारे में सोच रहे हो। सच में वे दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेट दे रहे होते हैं। वे एक बैरियर समन करता अटैक करने के लिए, उधर वे एक अटैक तैयार करता है, दोनों एक दूसरे पर भीड़ पड़ते हैं। लेकिन अचानक से ही उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है, वह कहता आखिर ये कैसे। लेकिन इधर केल्विन की जो स्टाफ होता है वह टूट गया होता है, मैं थोड़ा सॉरी फील करता है। वह बंदा कहता आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम्हें इसके लिए तो पे करना होगा। वह कहने लगता है बस तुम जो कर रही हो उसका थोड़ा सा मैंने पे बैक किया है। लेकिन वह बंदा अटैक करने को होता है उसकी अटैक मतलब स्टिक को भी तोड़ देता है। केल्विन कहता है कि ये क्या, आखिर अभी तो तुम्हारी फायर तो बाकी है ना। उसके साथ में अटैक करने के एक बड़ा सा बैरियर तैयार करने लगता है जिससे कि उसको अटैक कर सके। लेकिन उसको देखकर केल्विन सोचता है कि मैं वैसे चाहता तो नहीं था कि विलेज है मतलब पूरे जंगल है डिस्ट्रॉय हो जाए। एक नया स्टफ लेता है अटैक के लिए तैयार होता है और कहता है ठीक है मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है, शायद अभी जंगल तो तबाह होने वाला है। एक अपनी स्पेल यूज करने लगता है जिससे कि स्पेल पूरी होने के बाद अटैक के लिए तैयार हो जाता है। ये काफ़ी यदि पावरफुल स्पेल होती है जो हमने पहले
जादू यूज करते हुए नहीं देखी है। वह उसके ऊपर अपने अटैक करता है जिससे उसके बैरी के दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उस जनरल के बाटल पास बच जाते हैं, बच जाते हैं अटैक से। उसके दोनों पैर इकट्ठे होते हैं। वह सोचता है अपनी स्पेल पर उसको और काम करने की ज़रूरत है जिससे कि वह एक्यूरेट अटैक कर सके। वह उसे माफ़ी की भीख मांग रहा होता है छोड़ने के लिए, लेकिन वह बिल्कुल नहीं सुनता है। अचानक उसकी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है और वहाँ पर एक मेटलॉइड नाइट आता है जिसके ऊपर एक बंदा खड़ा होता है। वह उससे कहता है, सच में तुम पहले बंदी हो जिसने कि उसको ख़त्म किया है, यानी कह सकते हैं उसके पास में बॉडी होती है, उसके हराने की बात कर रहा होता है। लेकिन केल्विन उससे कहता, ओ तो तुमने ये सब सामान किया है ना, ये काफ़ी कोई आम समनिंग नहीं है। वह जनरल की बॉडी वापस देने के लिए कहता है बिकॉज वह कोई आम नहीं है, और जो मेटलॉइड है वह भी कोई आम नहीं है। वह समनिंग के बारे में इतना कुछ जानता है, इसलिए उसे पता है कि आखिर कौन कैसी समनिंग कितनी आसान और कैसी होती है। वह बंदा कहता, सच में तुम्हारे पास तो समनिंग के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज है, लेकिन हम बाद में मिलेंगे। और ये कहकर अपना मेटलॉइड जो नाइट होता है उसके साथ में डिसअपीयर हो जाता है। उसके साथी होती हैं, उन्होंने बाकी सारी बैटल जीत ली होती है, और वह कहते हैं कि अब ठीक है। तो केल्विन कहता, हाँ वह ठीक है, लेकिन उसने जनरल को जाने दिया और अब अपनी एस रैंक की स्किल को भी पहली बार में यूज कर पाया था। जुआर पूछता वो जनरल के बारे में क्या हुआ, तो वह कहता है बस उसने उसे जाने दिया ऐसे ही। वे लोग कहते हैं काफ़ी सब लोग ठीक है ना। वे लोग जो एल्फ के एल्डर होता है उसे बताते हैं कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है, उन्होंने जनरल को हरा दिया, एस रैंक मॉन्स्टर को भी हरा दिया, इसीलिए अब उनका विलेज पूरी तरह से ही सेफ है। वह उन सभी को थैंक्स कहता है। जुआर कहता है, क्या तुम्हें पता है ना केल्विन ने क्या कहा था उस बंदे से, जनरल से, वह मेरी वूमन है, तुम उसे नहीं टच कर सकते। ये बात उनका सॉफ्ट जाती है। वह सोच आता है, मतलब केल्विन वहाँ पर पूछता है, क्या लाइन मैंने यूज की थी, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, जिसे सुनकर तो एकदम कोलैप्स हो जाती है। वह बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ब्लस कर रही होती है। सारे लोग होती हैं रेस करती हुई स्पीड से आ रही होती हैं कि आखिर कौन जीत पाएगा, लेकिन सबसे आगे जो होती है रियोना होती है, जो कि आकर एकदम जंप कर देती सामने, और यहाँ पर कि जो सीरा होती है हार चुकी होती है, और वह आकर एलेक्स को पैट करती है थोड़ा सा, और जाती है केल्विन के पास में। केल्विन उसको छबासी देता है उसके काम के लिए, और जुआर होता है वह एलेक्स को छबासी देता है उसके गुड़बर के लिए, और वे लोग अब इस तरह से पार्टी करती हैं। और इसी के साथ में एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करिए, कमेंट जरूर बता देना सीरीज कैसी लगी है। वैसे भी एग्जाम चल रहे हैं तो न्यू वीडियो तो अभी आ नहीं पाएंगी।